नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आप अपने बकरों को कुर्बानी के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे हमारे बकरी पालक हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जिनका कहना है कि बकरी पालन से ज्यादा फायदा, ज्यादा मुनाफा बकरा पालन में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे उन बकरी पालकों के लिए है जो बकरों को कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। हमारे कुछ ऐसे बकरी पालक हैं जिनकी लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सर, हम जो कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करते हैं उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल दाना मिश्रण बताइए या कोई टॉनिक बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुर्बानी के बकरे तैयार करने के लिए क्या क्या दाना मिश्रण रिक्वायर्ड होता है, कब उनकी डिबर्मिंग करनी होती है, कब उन्हें लीवर टॉनिक, कैल्शियम और क्या क्या चीजें दें जिससे कि उसकी समय से आप ग्रोथ ले सकें और उसे ईद के त्यौहार पर कुर्बानी में अच्छे दाम में, अच्छी कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं हमारे कुछ बकरी पालक हैं जो 5 महीने 6 महीने के बकरे लेकर आते हैं और उन्हें 1 से 1.5 साल अपने पास रखकर तैयार करके ईद के त्यौहार पर कुर्बानी में सेल करते हैं जिससे वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। पर कुछ बकरी पालक ऐसे हैं जिनके बकरों की ग्रोथ नहीं हो पाती है जिसकी वजह से उन्हें फायदे की जगह नुकसान होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक 6 महीने का बकरा ले लेते हैं कि आपको उसे कुर्बानी के लिए कैसे तैयार करना है। क्योंकि जब आप कुर्बानी के लिए बकरे तैयार कर रहे होंगे तो आपको एक अच्छी नस्ल का बच्चा लेना होगा। जो भी आप 5 महीने 6 महीने का बकरा ले रहे हैं, आपको एक बड़ी नस्ल का लेना होगा जिससे कि आप जो मेहनत उस पर करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जिससे कि हम बात कर लें कि आप सोजत जो नस्ल होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये फुल लेंथ फुल हाइट में आता है, आप सोजत का बच्चा ले सकते हैं। दूसरा, आप सिरोही रख सकते हैं। जैसा आप देखेंगे मेरे पास सिरोही का ब्रीडर है, ये देखिए, ये बहुत ही शानदार, इसका आप देखेंगे कर्व, इसकी खूबसूरती देखेंगे तो बहुत शानदार है। और तीसरी ब्रीड की अगर हम बात करें तो आप बीटल के बच्चे ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोटा भी पाल सकते हैं। क्योंकि जब कुर्बानी के लिए बकरा तैयार करेंगे तो वहां पर सिर्फ वजन या हेल्थ हाइट नहीं देखी जाएगी, वहां पर उसकी खूबसूरती भी देखी जाएगी। अगर आपका बकरा वजन हेल्थ हाइट के साथ में खूबसूरत भी होगा, दिखने में अच्छा होगा, उसके बालों पर अच्छी चमक होगी, तो उसका जो रेट होगा, जो प्राइस होगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब आप एक अच्छी ब्रीड का बच्चा लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप उस बच्चे को लेकर कहां से आ रहे हैं, मतलब कि खरीद कहां से रहे हैं। अगर आप किसी ट्रेडर से या किसी मंडी से, मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन करना है, मतलब उसका टीकाकरण करना है, जिससे कि आपने जो प्लानिंग कर रखी है कि हमें उसे 1 साल में तैयार करके बेचना है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो उसे कोई भी वायरस जकड़ लेगा, जिससे आपने जो प्लानिंग की है वो आपकी फेल हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन आपको अगर करना नहीं आता है या क्या होता है वैक्सीनेशन, तो उस पर हमारा वीडियो डिटेल में बना हुआ है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वैक्सीनेशन के 10 से 12 दिन के बाद आपको उसको पिलानी है कीड़े मारने की दवा। जी हाँ, डिवर्मिंग जो होती है, पेट के कीड़े मारने की दवा होती है, वो आपको पिलानी है। वो आपको कितनी पिलानी है, कैसे आपको डिवर्मिंग करनी है, उसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब आप डिवर्मिंग करते हैं उसके 1 या 2 दिन के बाद से आपको 10 दिनों तक चलानी है लीवर टॉनिक। कोई भी अच्छी कंपनी की लीवर टॉनिक लाकर डेली बेसिस पे उसके वजन के अकॉर्डिंग डोज लिखा रहता है बॉटल पर, आप उसे सही मात्रा में 10 दिनों तक लीवर टॉनिक देंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हम बात करेंगे दाना मिश्रण की, जो कि एकदम मेन पॉइंट है। जब भी बकरों की ग्रोथ की बात आती है तो एक संतुलित आहार, एक अच्छा दाना मिश्रण का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि बकरे को जो जो भी मल्टीविटामिन, जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कार्ब्स प्रोटीन चाहिए होंगे, वो उस दाना मिश्रण से उसे मिलेंगे। क्योंकि जब भी हम दाना मिश्रण की बात करें तो प्रेग्नेंट जो गोट होती है उसका दाना मिश्रण अलग बनता है, जो हमारे नॉर्मल ब्रीडर होते हैं उसका दाना मिश्रण अलग बनता है, और जो कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करने होते हैं उसके लिए दाना मिश्रण अलग बनता है। तो सभी का दाना मिश्रण अलग अलग होता है, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के बकरों के लिए दाना मिश्रण की। कुर्बानी के बकरों के लिए जो दाना मिश्रण हम बनाएंगे वो एग्जाम्पल के लिए हम 100 किलो बनाएंगे, जिससे कि आपको बनाने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस दाना मिश्रण को बनाने के लिए हम सबसे पहला अनाज लेंगे मक्का। मक्का हमको लेनी है 30 किलो। जो दूसरा अनाज हमें लेना है वो है गेहूं। गेहूं हमें लेना है 20 किलो। इसके बाद जो तीसरा अनाज हम लेंगे वो लेंगे सोयाबीन। सोयाबीन का खास ध्यान रखें, सोयाबीन जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। बकरों को जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी सोयाबीन कंप्लीट कर देगा। सोयाबीन आपको डायरेक्टली कच्चा नहीं खिलाना है, सोयाबीन आपको रोस्ट करके खिलाना है। रोस्ट मतलब सोयाबीन को आप पहले हल्का हल्का भून लें,
तवे पर सेक लें, उसके बाद उस दाना मिश्रण में आप मिला लें। तो तीसरा हमने लिया सोयाबीन, जो हमें लेना है 10 किलो। चौथा हम लेंगे चोकर, जो गेहूं से बनता है, वो भी हमें लेना है 10 किलो। तो हमारे 4 अनाज हो जाते हैं। पांचवा अनाज हमें लेना है चना। चना बहुत ही जरूरी है, चने को आप अपने दाना मिश्रण में जरूर मिलाएं। चना भी आपको लेना है 10 किलो। छठा हमें लेना है खल। खल में आपको कोई भी एक खल नहीं लेनी है, क्योंकि कई बकरी पालकों की कंप्लेंट है कि सर हमारे बकरे सरसों की खल नहीं खाते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारे जो बकरे हैं वो मूंगफली के खल नहीं खाते हैं। तो खल के ऊपर हमारा स्पेशल वीडियो बना हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं कि खल आप कोई भी एक सिंगल ना लें, आपके मार्केट में जो भी खल सस्ती हो उसमें आप 2 खल मिला लें, आप 3 खल भी मिला सकते हैं। तो आपको जो भी खल सस्ती मिले आप उसका मिश्रण बना लें, जो कि आपको 10 किलो लेनी है। इसके बाद जो आखिरी अनाज हमारा बचता है वो बचता है बाजरा। बाजरे का दाना मिश्रण में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है। जब आप बकरों को बाजरा देंगे तो बरसात के मौसम में या जो ठंडी का मौसम आता है उसमें बकरों को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, बकरों की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, तो उनको बीमारियां होने लगती है। तो जब आप उन्हें बाजरा खिलाएंगे तो सर्दी जुकाम की समस्या, उनका इम्यूनिटी लो होना, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कभी डाउन नहीं होगी। तो बाजरा आप जरूर मिलाएं, वो भी आपको मिलाना है 10 किलो। तो इस तरह आपको कुर्बानी के बकरों के लिए टोटल 8 तरह के अनाज मिलाने हैं। तो दोस्तों ये जो अनाज मैंने बताया आपको 8 तरह के, ये कुर्बानी के बकरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनाज है और एकदम संतुलित आहार बनाते हैं, जिससे कि जब भी आप अपने बकरों को खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। जब आप ये सारे अनाज ले लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन अनाजों को कभी भी साबुत मतलब कि सीधा नहीं खिलाना है। इन सभी को आपको दरदरा पिसवा लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें पिसवा लेना है, और उसके बाद आप चाहे तो इसे भिगोकर खिला सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसे ड्राई फॉर्म में सूखा भी खिला सकते हैं। अगर भिगोकर खिलाना चाहें तो एक दिन पहले उसे पानी में भिगो दें, जिससे कि वो अच्छे से गल जाए, पूरी तरह से फूल जाए। इसके बाद आप बकरे को खिलाएंगे तो बकरे के डाइजेशन को उसको किसी तरह की कोई अपच नहीं होगी। आप अगर उसे ड्राई भी खिला रहे हैं मतलब सूखा दाना मिश्रण भी खिला रहे हैं तो ध्यान रखें कि दाना मिश्रण खिलाने के 2 घंटे तक उसे पानी नहीं देना है। 2 घंटे के बाद आपको उसे पानी देना है, जिससे कि वो दाना मिश्रण अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा। अब आपको ये दाना मिश्रण खिलाना कितना है और किस समय खिलाना है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। आपको यह दाना मिश्रण सुबह के समय खिलाना है। आपको जितना भी दाना मिश्रण खिलाना है आप सुबह के समय खिलाएं, जिससे कि बकरा पूरे दिन में उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। अगर आप शाम के समय खिलाएंगे तो वो पानी पीकर सो जाएगा, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दाना मिश्रण पचेगा नहीं। तो सुबह के समय दाना मिश्रण खिलाएं, जिससे कि अगर आप 5 से 6 महीने का बच्चा लेकर आते हैं तो आप उसे 50 ग्राम दाने से स्टार्ट करें। आपको एकदम ज्यादा नहीं खिलाना है, आपको 10 से 12 दिन 50 ग्राम खिलाना है, फिर उस दाने को धीरे से बढ़ाकर आपको 80 से 100 ग्राम कर देना है, और आपको डेली बेसिस पे उसकी मैंगनी चेक करते रहना है। जो मैंगनी होती है, लेंडी होती है, उसे चेक कर लेना है कि कहीं वो मैंगनी में दाना मिश्रण तो नहीं निकाल रहे हैं, अदरवाइज आपको जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दाना मिश्रण का डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप जब डेली बेसिस पे चेक करेंगे और अगर उसकी मैंगनी में दाना मिश्रण निकल रहा है तो आपको उसे देना होगा डाइजेस्टिव टॉनिक। डाइजेस्टिव टॉनिक कौन सी देनी है, कैसी देनी है, उसके ऊपर हमारा वीडियो डिटेल में बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से आपको इस दाना मिश्रण को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ाते रहना है, जिससे कि उसका वजन भी स्पीड से बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप एकदम उसे 200 ग्राम या 300 ग्राम दाना मिश्रण खिला देंगे तो उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, उसे अपच की समस्या हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे लूज मोशन भी हो सकता है, उसे आफरा भी हो सकता है, जिससे कि समय से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। और याद रहे आपको दाना मिश्रण के साथ मिनरल मिक्सचर और नमक जरूर देना है। आप मिनरल मिक्सचर जो दाना मिश्रण बनाया है उसमें मिलाकर ना रखें, क्योंकि जब भी हम दाना हमारे बकरों को देते हैं तो मिनरल मिक्सचर नीचे बैठ जाता है, तो बकरे उसे नहीं खाते हैं, जिससे उन्हें जो फायदा मिलना चाहिए, जो मिनरल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो जब भी आप बकरों को दाना मिश्रण दें, किसी भी माध्यम से दें, अगर भिगो कर दें तो उसमें मिला दें उसी समय जब आप दाना मिश्रण खिला रहे हो, या आप अगर ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं तो आप दाना मिश्रण डालने के बाद उसके ऊपर से मिनरल मिक्सचर और नमक दे दें। और साथ में मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा रखनी है वो आपको रखनी है 15 से 20 ग्राम डेली, और 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आपको नमक देना है। तो जो डाइजेस्टिव टॉनिक आप देंगे उससे बकरा जो भी दाना मिश्रण खाएगा वो समय से और अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, जिससे आपको आपके बकरे में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो बकरे आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें डेली बेसिस पे सही मात्रा में ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर जरूर दें।
जिससे कि आपके बकरों की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो दाना मिश्रण बताया और कुछ मूलभूत चीजें बताई जो कि कंपलसरी है, जो आपको करना है अगर आप वो सही समय से और जो बताया हुआ तरीका है उस तरीके से करते हैं तो आपको आपके बकरों में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।